तो ठीक है ट्रैवल, चलो तुम्हारे अंदर देखते हैं तुम्हारे सूट में आखिर इतना दम कहाँ से आया यार। तो यहीं पे तुमको रखता हूँ। अरे यार ट्रैवल तो मर गया इसके अंदर, अब इसको ले चल कर इस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, देखना होगा इसके सूट में इतना दम कहाँ से आया यार। न जाने इसने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। एक ये वाला हो गया, इस पर भी रिसर्च करना होगा। अभी बाहर से ही आया था यार, ये मैंने नहीं बनाया, ये लोग मेरा एक्सपेरिमेंट हत्याना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को मिलाकर कुछ और बनाना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक। तो ठीक है शुरू करते हैं और इन दोनों सूट को जमच लेते हैं। ट्रैवल ने सूट के वेपन्स को मैक्सिकन टाइप यूज़ किया यार, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसलिए मुझे लग रहा था कि इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। लगता है टोनी स्टार्क ने सूट का मॉडल सबको दे दिया है यार, और तभी इतना ज्यादा खतरनाक मैक्सिकन वेपन्स में यूज किए गए। ट्रेवर तुम वाकई में जीनियस हो, लेकिन मेरे जितने नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सूट को अपना बनाने जा रहा हूँ और इस सूट को मैं अपग्रेड करूंगा। अपग्रेड करने के बाद एक तगड़ा सूट मुझे बनाना है खुद के लिए, और इन सबको जाकर मजा चिखाना है, मतलब मजा चिखाना है। तो कई दिन और रात के बाद मैंने ये सूट बनाया है, तुम लोग देख सकते हो। इसको अपग्रेड और प्रोग्राम करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगाया। अब इसको उड़ा कर देख लेते हैं कितना ये सही चलता है। देखो सबसे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम यही होती है कि मैं इसको सही से संभाल नहीं पाता, लेकिन ठीक है बढ़िया उड़ रहा है। मेरे रेडार पे कुछ शो कर रहा है, ऐसा लगता है वो गैंग वाले आसपास ही कहीं पर है जो ये सूट की स्मगलिंग करते हैं। वो कहीं आस पास है, ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है, मुझे उनके पास जाना होगा, उनको सबक सिखाना होगा। तो वो रहे वो लोग, देख तो ये बढ़िया काम कर रहा है, गजब का काम कर रहा है। ये बाइक से भाग रहा है इसकी तो, ये सही है यार, बहुत बढ़िया ये सूट काम कर रहा है, मेरा अपग्रेड काम आया। अरे ये क्या हो गया यार, अब प्रिंसिपल से तुम लोगों पर हमला करता हूं, सालों आ जाओ पीछे से मारता है। ये बताता हूँ तुम लोग मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं चुरा पाओगे। इस सूट में मुझे जितना लगा था उससे कई गुना ज्यादा दम है यार, तुम लोग देख सकते हो बहुत बढ़िया। अरे ये क्या हुआ, खैर कोई बात नहीं, तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मेरे बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाती है वो नहीं आया, इसका रिपल्सर अजीब टाइप है यार, कहीं चालू हो जाता कहीं नहीं चालू होता। तो अब देखता हूँ, सही है स्लो मोशन का एमिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है। रिपल्सर इसका काफी खतरनाक है, मैंने अच्छी तरह से इसकी जांच कर ली है, बस तुम ही बचो बच्चे। ये ले कहाँ हो, ये ले गया, ये भी लगता है सारे खत्म हो चुके हैं। नहीं नहीं अभी एक और है, तो ठीक है आ जाओ। ये ले ये भी गया, मतलब पूरे खत्म हो चुके हैं। मुझे इनके बॉस को ढूंढना होगा जो इस सूट की स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने रिपल्सर को अपग्रेड कर लेता हूँ यार। मैंने रिपल्सर अपग्रेड कर लिया है और सारे सामान वैन में डाल दिया है यार, हमें यहाँ से निकलना होगा, मतलब मुझे, क्योंकि मेरी लोकेशन जान चुकी हो, किसी भी वक्त बहुत सारे गर्मर्स लेकर आ सकते हैं, तो इसीलिए मुझे सैंडी सोर छोड़ना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी होगे, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें और सारे आर्मर्स देखने हैं, सूट देखने हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, नहीं नहीं चैनल को। तो फाइनली हम नए लोकेशन पे पहुंच चुके हैं यार, ये जगह मुझे जहां तक लगती है सेफ है, यहां पे मैं सेफ हूं। वो गैंग मेंबर्स बस यहां पर ना पाए जो मेरा एक्सपेरिमेंट चुराना चाहते हैं, उनके पास हाईटेक आर्मर्स हैं यार, मेरे सूट उनके सामने कुछ भी नहीं है, मुझे बस अपग्रेड करते रहना है। तो दोस्त मेरा सामान ले जाकर सब लगा दो वहीं पे। ठीक है भाई पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या है। ठीक है चेक करके वहीं पे ले जाकर लगा देना है, मुझे शुरू करना है बहुत जल्द काम। ठीक है भाई ठीक है। मुझे सूट्स को अपग्रेड करने के लिए कोई एक बढ़िया सेटअप की जगह चाहिए यार, जहाँ मुझे ज्यादा जगह मिल जाए और मैं आराम से काम कर सकूं फैल के। ये जगह मुझे बिल्कुल सही लग रही है, उस बंदे से बोल देता हूँ कि सारा सेटअप यहीं पे ला के कर दे। उन मेंबर्स को मुझे ढूंढना होगा, मैंने अपने सूट अपग्रेड कर लिया है, अगर मुझे वो इंटरनेट पे मिल जाएंगे तो आसानी से उनको फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो इस पूरे ब्लेन काउंटी में फैले हुए, ज्यादातर अवैध काम यहीं पे होते हैं, यहीं पे मुझे वो मिलेंगे, लॉस सैंटोस में नहीं मिलेंगे, या हो सकता है लॉस सैंटोस भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो भी कमी थी इन दोनों में मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरा दुश्मन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल ताकतवर है, मुझे बहुत ध्यान से चीज करना होगा, नहीं तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ सकता। मुझे एक जगह मिली है जहाँ पे वो छुपे हुए हैं, वो मुझसे तादाद में ज्यादा होंगे तो मैं उनसे जाके अकेले नहीं लड़ सकता। इस सूट का नाम मैंने आयरन पैट्रियट रखा है, मुझे और सारे सूट्स बनाने होंगे जो कि मैं अपने हिसाब से उनको कंट्रोल कर सकूं। अगर मुझे उनसे लड़ना है तो मुझे खुद की अपनी एक सूट की टीम बनानी होगी, उन्हें मैं अपने एआई सिस्टम से कंट्रोल कर सकता हूं। मुझे एआई सिस्टम भी बनाना होगा, मेरे पास जो कि है नहीं, लेकिन एआई सिस्टम के लिए दूसरे वीडियो में देखते हैं। अभी इस सूट को लेकर चलकर उन सबको ढूंढते हैं। इस सूट को मैंने नहीं बनाया, इसको मैंने डिज़ाइन भी नहीं किया, ना जाने कौन मेटल का बना हुआ है, सिर्फ मैंने कुछ अपग्रेडेशन इसमें किए हैं, ये तो कोई और बंदा लेकर आया था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आयरन पैट्रियट को यहीं पे छोड़ते हैं और चलते हैं। जेट पैक चेक, हाँ सही है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मुझे वो उठकर देख लेना है और उन सबको पता करना है कहाँ पर है वो। अब लड़ता हूँ चल के उन लोगों से, लेकिन नहीं यार मैं डायरेक्ट जाकर उनसे नहीं भिड़ सकता, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये मेरा स्लो मोशन वाला फीचर बहुत ही बढ़िया है यार, अरे मैं इसमें लड़ चुका हूँ, काफ़ी गजब का यार ये को
कोई नहीं यार, लेकिन उस स्लो मोशन वाले फीचर को कंट्रोलेबल होना चाहिए। यहाँ पे किसी से पूछता हूँ उन लोगों के बारे में, उन मेंबर्स के बारे में, उन गैंग्स के बारे में। देखिए सर, मुझे कुछ गैंग्स के नाम चाहिए और अगर आप बता दें तो बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी। किस तरह की नेम चलने के लिए बताऊँ? अभी बस नाम पूछना है सर। चलने गैंग के मेंबर के बारे में पूछेगा वो हमें? बस बहुत हो गया, कोई चीज सराफत से पूछे तो बताते नहीं। हो सकता है ये लोग गैंग के मेंबर ही हो सकते हैं। कैसे थी पल्सर से ये मरने वाले नहीं, तो अब मुझे कहीं और ढूंढना होगा उनको। यार मैंने उनको इंटरनेट पे देखा तो था यार, लेकिन उस जगह पर डायरेक्टली जाना मेरे ख्याल से खतरे की घंटी हो सकती। तो मैं किसी से पूछ के छुपके से अंदर घुस सकता हूँ उनके इलाके में, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है तो मैं उस साइड जाता हूँ और उम्मीद है कि यहाँ पे वो लोग मुझे मिल जाएं। यार मुझे उनके पूरा गैंग को खत्म करना है, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़े थ्रेट बन सकते हैं। मुझे लगता है ये वाला एरिया उन्हीं का है, तो मुझे ध्यान। ये कौन बंदा है यार? सर आप ये मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे एक गैंग रहता है जो कि तुमने क्या पहना है भाई? क्या पहना है ये? क्या है ये? एक तरह का सूट, इसको आर्मर बोलते हैं या फिर आयरन मैन सूट बोल सकते हैं। सर मुझे जानना है, आप मुझे बता सकते हैं वो गैंग का नाम जिसको मैं जानना चाहता हूँ? मैं बस यही जानना चाहता हूँ आपसे। तुम्हारे पास आर्म है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से निकल जा, नहीं तो यहाँ के लोग बहुत खतरनाक मार डालेंगे तुमको। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, ध्यान से। तो इसके कहने से ऐसा लगता है कि वो लोग यहीं पर होंगे। ये जगह खतरनाक है और वो गैंग वालों लोग यहीं पे होंगे। मुझे जल्द AI सिस्टम बनाना होगा यार, वो मेरी बहुत हेल्प कर सकता है। मैं हर चीज खुद से पता नहीं लगा सकता। hey, सामने से चल, हट। अरे जाओ ना यार, जगह दे। ये क्या? ये कौन है? ये उन्हीं में से एक है, मुझे भागना होगा, मुझे निकलना होगा। मुझे भागने नहीं दे रहा है, मुझे आसमान की तरफ उड़ना। इनके जितने भी बनाए हुए सूट सारे खतरनाक हैं, पीछे से मुझे हमला कर रहा है। आग लग गई मेरे अंदर, कोई बात नहीं, मुझे डायरेक्ट ऊपर ही जाना है, बस ऊपर ही जाते रहना है। पीछे बिल्कुल आ रहा है मेरे पीछे बॉस, ही मैं उसके एरिया से काफ़ी दूर निकल गया हूँ। अभी इधर आ जा, तुझे बताता हूँ साले, तुझे क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ? कमज़ोर नहीं हूँ, अब उसको चकमा देता हूँ। हाँ निकल गया वो। अरे यार गोली चलाने लगा वो। कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो फिर पीछे निकल गया, वो मेरे ऊपर गोली चलाने में पीछे, बस यही मौका है। ठीक है तो साले तुझे मैं मारने नहीं दूंगा, इसको जल्दी नीचे गिराता हूँ, ऊपर से गिरेगा तो पक्का मारा जाएगा। मेरी देखे यहीं पे इसको खत्म कर दो, जाकर देखते हो मर गया कि नहीं मर गया। नहीं यार अभी तक नहीं मरा ये, अब तो मर जा, नहीं मर रहा यार, कम मरेगा ये। अरे अभी भी नहीं मरा गया यार, देखता हूँ क्या इस पे असर कर सकता है। मर चुका है लगता है। ये वाला सूट तो और ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है यार, एक डंबर दिख रहा है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर देखता हूँ पहले कौन है। तो देखते हैं वाइट सूट किस टेक्नोलॉजी से बने हो, अभी भी चमक रहे हो, इसका मतलब कुछ तो है तुम्हारे सूट के अंदर। स्टील से भी ज़्यादा मजबूत मेटल और वाइब्रेनियम, लेकिन मैंने इसको कैसे हरा दिया मुझे समझ में नहीं आता। इसको हराना तो नामुमकिन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने हरा दिया। मुझे ले जाकर इसकी जांच करनी होगी, देखना होगा इसके अंदर कौन कौन सा और फीचर। ये क्या? अरे मेरे पास सुपीरियर और मैंने मिलकर उस फ्रैंकलिन क्लिंटन को गिरा दिया है। तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं इसे लेकर आता हूँ। कहाँ पर लेकर आना है सर? लेकर आता हूँ आपके पास। जल्दी लेकर आओ, सही हिसाब किताब पूरा करना है। रोजर दैट सर।